उत्तर प्रदेश में इन दिनों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को हटाने का काम चल रहा है। सीएम योगी के एक फरमान के बाद सभी ने उस फैसले का स्वागत किया है और सभी ने लाउड स्पीकरों को हटाना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं सीएम योगी के इस काम की देश में सराहना की जा रही है। मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ की है। दरअसल सांसद संजय राउत से पूछा गया कि यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर तेजी से कार्रवाई हो रही है, राज ठाकरे सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। इस पर राउत ने कहा कि वह सीएम योगी का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की राजनीति करते हैं और उन्होंने यूपी में विकास कार्य किए हैं। राउत ने आगे कहा कि जब भी वे अयोध्या जाते हैं और यदि इस बीच उनकी सीएम योगी से मुलाकात हो जाती है तो वे बेहद सम्मान और आदर के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। तो वहीं जहां राउत से सीएम योगी की तो जमकर तारीफें की, लेकिन राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। राज साहब ठाकरे जी की चिंता करने की लोगों को जरूरत नहीं। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे शायद उनके आँख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो, और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे जरूर खुश। तो बालासाहेब ठाकरे जी के बारे में आप हमें मत बताइए, आप अपना ना देख लीजिए। राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वह पहले यूपी के मुख्यमंत्रियों को काफी कुछ उलझलूल कहते थे, यहाँ तक कि वह पहले सीएम योगी को टकलू कहकर संबोधित करते थे और उनकी कार्यशैली का मजाक उड़ाते थे। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब के ठाकरे के बारे में वे लोग हमें ना बताए, क्योंकि उनके नेता योगी जी ने तो हनुमान को दलित तक बता दिया था और उनकी पूजा को गैर जरूरी बता दिया था, अब ये लोग कैसे बजरंग बली के भक्त बन गए हैं। राउत ने कहा कि अगर बोलना शुरू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूँ। दरअसल इस विवाद की शुरुआत राज ठाकरे ने ही की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को कहा था। इसके बाद यह विवाद महाराष्ट्र से यूपी तक पहुंच गया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर उतारने का आदेश देते हुए कहा कि यदि कहीं लाउडस्पीकर बज भी रहा हो तो उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यूपी में 72 घंटे के भीतर करीब 12,000 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।